नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न जिलों में वज्रपात की घटनाओं में 93 लोगों की मृत्यु, 38 घायल। सबसे अधिक गोपालगंज में 14 लोगों की गई जान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। लोगों से खुले स्थान पर नहीं रहने की अपील। और प्रदेश में कोविड-19 महामारी से और 2 लोगों की मृत्यु, मृतकों का आंकड़ा 57 हुआ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश के दौरान वज्रपात और वर्षा के कारण अलग अलग घटनाओं में आज 93 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 38 लोग झुलस गए हैं। राज्य के 23 जिलों में बारिश के दौरान ये घटनाएं हुई हैं। सबसे अधिक गोपालगंज जिले में 14 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि 6 गंभीर रूप से झुलस गए हैं। वहीं वज्रपात से मधुबनी में 8, सीवान और नवादा में 7-7, भागलपुर में 6, बांका और पूर्वी चंपारण दरभंगा में 5-5, जबकि औरंगाबाद पूर्णिया खगड़िया में 3-3 लोगों की मृत्यु हुई है। इधर समस्तीपुर, कैमूर, बक्सर, जमुई, किशनगंज और पश्चिमी चंपारण में 2-2 लोगों की मृत्यु हुई है। अररिया, शिवहर, जहानाबाद जिले में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई है। इधर मुजफ्फरपुर जिले के सरैया में वज्रपात की घटना में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वज्रपात की घटनाओं में मारे गए लोगों के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 4-4 लाख रूपये की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिये हैं। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान लोगों से वज्रपात को लेकर सतर्कता बरतने की अपील की गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों को बारिश के दौरान खुले में नहीं निकलने की हिदायत दी है। लोगों से इस दौरान खेतों में काम करने से बचने को कहा गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने आकाशवाणी को बताया कि नेपाल के तराई से सटे क्षेत्रों, उत्तर और मध्य बिहार के जिलों में भारी बारिश की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर में भारी बारिश की आशंका है। वहीं सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में भी भारी वर्षा की स्थिति बनी हुई है। श्री सिन्हा ने कहा कि नमी की मौजूदगी के कारण अगले 5 दिनों तक पूरे राज्य में मॉनसून का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। इधर प्रदेश में आज सुबह से ही अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि गोपालगंज, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, नवादा, मुजफ्फरपुर, बांका, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण सहित आसपास के जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। कई स्थानों पर सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सबसे अधिक 115 मिलीमीटर बारिश शिवहर में दर्ज की गई। वहीं किशनगंज में 100, अररिया में 90, मधुबनी में 51, सुपौल में 50 और दरभंगा में 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर भीषण जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं अच्छी बारिश के चलते कृषि कार्यों में भी तेजी आई है। प्रदेश की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। गंगा, गंडक, बागमती, घाघरा, कोसी, पुनपुन, महानंदा सहित सभी प्रमुख नदियों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी सीतामढ़ी जिले के ढेंग में खतरे के निशान को पार कर गई है। वहीं सोनाखान और कंडौजा में इसका जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में और मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में खतरे के निशान के करीब बना हुआ है। गंगा नदी के जलस्तर में पटना, मुंगेर और भागलपुर में सभी प्रमुख घाटों पर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है। वहीं घाघरा नदी का जलस्तर सीवान जिले के दरौली में लाल निशान से 1 मीटर नीचे है। कमला बलान का जलस्तर भी मधुबनी जिले के जयनगर में खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। कोसी नदी सुपौल जिले के बसुआ में खतरे के निशान के आसपास बह रही है। बिहार में कोविड-19 महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। आज 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है।
इधर स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार कोरोना संक्रमण के 108 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8381 हो गयी है। पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में 13-13 मामले सामने आये हैं। सुपौल में 12, सीवान में 9, जमुई में 8, पटना और पूर्वी चंपारण में 7-7 नये मामलों की पुष्टि हुई है। औरंगाबाद, मधेपुरा, समस्तीपुर में 6-6, दरभंगा में 5, बांका और रोहतास में 4-4, सहरसा में 3 मामले सामने आये हैं। वहीं अरवल, गोपालगंज, जहानाबाद, नवादा और वैशाली में 1-1 मामले की पुष्टि हुई है। देश में कोविड 19 से संक्रमण के 16,922 नये मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 4,73,105 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि देश में कोविड 19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की यह सबसे अधिक संख्या है। वहीं संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर भी बढ़कर 57.43% हो गई है। अब तक 2,71,697 रोगी ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण से अब तक 14,894 लोगों की मृत्यु हुई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 से 15 जुलाई तक 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। कोविड महामारी के फैलते संक्रमण को देखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय किया है। बोर्ड ने आज इसकी जानकारी उच्चतम न्यायालय के समक्ष दी है। CBSE ने यह भी कहा है कि ये परीक्षाएं बाद में आयोजित की जाएंगी। उच्चतम न्यायालय ने देश में कोविड 19 के बढ़ते प्रकोप की वजह से 1 से 15 जुलाई तक होने वाली 12वीं कक्षा की बाकी परीक्षाओं को रद्द करने संबंधी याचिकाओं की सुनवाई कर रहा था। उच्चतम न्यायालय को बताया गया कि विद्यार्थियों को बाद में आयोजित की जाने वाली परीक्षा में शामिल होने या पिछली परीक्षा पर आधारित आकलन के विकल्पों में से किसी एक को चुनने की भी सुविधा दी गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड 19 पर वरिष्ठ डॉक्टरों की राय प्रसारित की जाती है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर अमरचंद बजाज ने कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए साफ सफाई बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करे 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। देश में लागू आपातकाल की आज 45वीं बरसी है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने आज ही के दिन इसकी घोषणा की थी। इस दौरान लोकतांत्रिक अधिकारों और प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने देश भर में इसका विरोध किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान यातना के शिकार लोगों को आज नमन किया। श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल का उस समय लोगों ने कड़ा विरोध किया और देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और यातनाएं सही। श्री मोदी ने उनके बलिदान को नमन करते हुए कहा कि देश उन्हें कभी नहीं भुला सकता। जब देश में आपातकाल लगाया गया तब उसका विरोध सिर्फ राजनीतिक दायरे तक सीमित नहीं रहा था, राजनेताओं तक सीमित नहीं रहा था, जेल के सलाखों तक आंदोलन सिमट नहीं गया था। जन जन के दिल में एक आक्रोश था, खोए हुए लोकतंत्र की एक तड़प थी। सामान्य जीवन में लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतांत्रिक अधिकारों को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था कि उसका कुछ छीन लिया गया है। और इसीलिए देश अपने लिए नहीं एक पूरा चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए आहूत कर चुका था। शायद दुनिया के किसी देश में वहां के जन जन ने लोकतंत्र के लिए अपने बाकी हकों की, अधिकारों की, आवश्यकताओं की परवाह न करते हुए सिर्फ लोकतंत्र के लिए मतदान किया हो तो ऐसा एक चुनाव इस देश ने 77 में देखा था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस ने एक परिवार को बचाने के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया था। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष बाद आज भी कांग्रेस जो कुछ कर रही है वो एक परिवार को बचाने के लिए ही है। श्री जावड़ेकर ने ट्विटर पर कहा कि 45 वर्ष पहले जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की थी वही आज सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 45 साल पहले आज ही के दिन देश में आपातकाल लगाकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को जेल में परिवर्तित कर दिया था और प्रेस, अदालत तथा अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश लगा दिया था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। कोविड महामारी के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है। छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1,00,000 रुपए तक के स्व आकलन कर भुगतान की तिथि भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान करने की नियत तिथि भी इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। बिहार विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन के आज अंतिम दिन जदयू के 3, भाजपा के 2 और कांग्रेस के 1 प्रत्याशी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। राष्ट्रीय जनता दल के 3 प्रत्याशी कल ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। कल नामांकन पत्रों की वैधता की जांच की जाएगी। 29 जून तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। जदयू की ओर से प्रत्याशी कुमुद वर्मा, गुलाम गौस और भीष्म सहनी तथा भाजपा के दोनों उम्मीदवारों संजय मयूख और सम्राट चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की ओर से समीर कुमार सिंह ने अपना नामांकन पर्चा भरा। कल घोषित किए गए प्रत्याशी पूर्व सांसद तारिक अनवर को मतदाता सूची में नाम नहीं होने के कारण कांग्रेस ने बदल दिया। उनकी जगह समीर कुमार सिंह प्रत्याशी बनाए गए हैं। पटना स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने अरबों रुपए के बहुचर्चित सृजन घोटाले के 2 मामलों में आज 2 बैंककर्मी समेत 3 लोगों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। विशेष अदालत के न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एक मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन वरीय शाखा प्रबंधक सरफराजुद्दीन, भागलपुर जिला कोषागार के नाजिर अमरेंद्र कुमार यादव और दूसरे मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के सहायक शाखा प्रबंधक अमरेंद्र कुमार साहू को नियमित जमानत पर मुक्त करने से इनकार कर दिया। तीनों अभियुक्त जेल में बंद हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। इंडियन रेडक्रॉस सोसाइटी की यह पहल कोविड 19 से निपटने के लिए है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस अवसर पर कहा कि जरूरतमंद लोग इस ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं कि उन्हें कहां से ब्लड मिलेगा। उन्होंने बताया कि लोग अधिकतम 4 यूनिट ब्लड की मांग कर सकते हैं। प्रदेश में अनलॉक के पहले चरण में स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के उल्लंघन और यातायात नियमों को तोड़ने के आरोप में अब तक 66 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार 19,680 वाहनों को जब्त किया गया है, जबकि 5,00,000 रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के विभिन्न जिलों में वज्रपात की घटनाओं में 93 लोगों की मृत्यु, 38 घायल, सबसे अधिक गोपालगंज में 14 लोगों की गई जान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के निकटतम आश्रितों को 4,00,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करने के निर्देश दिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात को लेकर जारी किया अलर्ट। लोगों से खुले स्थान पर नहीं रहने की अपील। और प्रदेश में कोविड 19 महामारी से और 2 लोगों की मृत्यु, मृतकों का आंकड़ा 57 हुआ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिये, सुरक्षित रहिये और सुनते रहिये आकाशवाणी।